हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। तो आज की वीडियो जो है वो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, एंड दैट इज आरबीआईज टोकनाइजेशन एंड कार्ड ऑन फाइल या सीओएफ जिसे हम कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो टोकनाइजेशन है और कार्ड ऑफ फाइल जो है, ये बहुत फेमिलियर टर्म्स हैं जो हमने काफ़ी बार हम सुनी भी हैं। जैसे आजकल के टाइम में ई कॉमर्स जो है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग्स का ट्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही हो गया, एंड इट इज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। तो हम देखेंगे कि ये छोटी सी दो जो चीज़ें हैं, इनका क्या जो है सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ के इसी पार्ट में। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सडनली ये टॉपिक आया कहाँ से और क्या था, तो न्यूज़ में क्यों था। तो देखिए, अभी अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है, और आरबीआई जैसे है कि बैंकिंग सेक्टर का जो है वही रेगुलेटर है। तो आरबीआई के सर्कुलर जो कार्ड ऑन फाइल्स हैं वो जो है सिर्फ कार्ड और जो कार्ड नेटवर्क्स हैं वही स्टोर कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और स्टोर नहीं करता। और ये जो कार्ड स्टोर करने वाली, कार्ड और कार्ड की डिटेल्स स्टोर करने वाली जो एक्टिविटी होती है, इसी को ही आप कार्ड ऑन फाइल कहते हैं, कार्ड ऑन फाइल। और इस कार्ड ऑन फाइल की क्या बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आप सपोज करिए कहीं पे भी किसी भी ऑनलाइन साइट पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग करते करते जैसे आपको हर बार कार्ड डिटेल्स अपनी एंटर ना करनी पड़े, तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन होती है जिसमें कहता है सिक्योर्ड कार्ड डिटेल, सेव कार्ड डिटेल्स सिक्योरली। तो वो जो ऑप्शन होती है वो बेसिकली क्या कर रही है कि आपकी जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो उस पोर्टल पे, उस वेबसाइट पे या उनके जो अपने सर्वर होते हैं उन पे स्टोर कर दी जाएगी और सिक्योरली स्टोर कर दी जाएगी। बट आरबीआई ने ये कहा है कि अब से ये चीज़ अलाउड नहीं होगी, ये सिर्फ दो ही चीज एंटिटीज कर सकती हैं, एक जो कार्ड इशू कर रही हैं यानी आपके बैंक्स या कोई और अदर एंटिटी, दूसरा कार्ड नेटवर्क यानी आपका जैसे मास्टर कार्ड हो गया या वीज़ा हो गया, तो वही आपकी जो डिटेल्स हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं, इनके अलावा कोई और स्टोर नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने फिर इसी का ही एक ऑल्टरनेटिव दिया जिसे हम टोकनाइजेशन कह रहे हैं, कि अगर आप स्टोर नहीं कर सकते हैं तो फिर सिक्योरली और इजीली आप पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो इससे हैसल हो जाएगी ना कि हर बार आपको अपनी कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ेंगी और भरने के बाद जो है आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो आरबीआई इसी के लिए निकाली है टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, आज हम आगे अब यही देखते हैं। तो देखिए, टोकनाइजेशन बेसिकली है क्या, वो कार्ड डिटेल्स हैं आपकी, जैसे आपका कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका सीवीवी नंबर एंड एक्सेट्रा, तो वो जो डिटेल्स होती हैं उन सबको रिप्लेस कर रहा है किससे, एक टोकन से। अब ये जो टोकन होगा ये हर ट्रांजैक्शन के लिए जनरेट होगा, और उस ट्रांजैक्शन के लिए कितने की वो ट्रांजैक्शन होगी, कब होगी, और उस ट्रांजैक्शन की आईडी लगा लीजिए जो है वो रहेगी, और इस टोकन के बेस पे जो है ट्रांजैक्शन होगी, ना कि आपकी कार्ड की डिटेल्स के बेस पे। अब ये टोकन कैसे जनरेट होगा, तो टोकन से जनरेट होगा कि जो भी कार्ड का जो होल्डर है यानी जो कस्टमर है वो एक रिक्वेस्ट करेगा किसको, एंटिटी को जिससे वो ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी आगे डील कर रहा है, तो वो एंटिटी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आगे जो है कार्ड नेटवर्क को ये रिक्वेस्ट पास ऑन कर देगी। तो पास करने के बाद कार्ड नेटवर्क जो है, जिसके एक्चुअली कार्ड डिटेल सिक्योरली सेव्ड है और उसको आरबीआई ने अलाउ भी किया हुआ है, वो एक उस ट्रांजैक्शन के लिए टोकन जनरेट करेगा जिस टोकन के बिहाफ पे जो है ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जाएगी। अब देखने में लगता है कि बहुत मल्टीपल स्टेप्स हैं और बहुत मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, जस्ट लाइक कि रियल टाइम आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है। तो ये जो टोकन जनरेट होगा इसकी सेफ्टी की क्या गारंटी है, तो एज ए सेड कि हर ट्रांजैक्शन के लिए नया टोकन जनरेट होगा, ठीक है। वो टोकन होगा कैसा, ये टोकन होगा तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, पहला जो कार्ड है उसका, दूसरा जो एंटिटी यानी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही है कस्टमर से वो एंटिटी, और तीसरा जिस डिवाइस से टोकन की रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक टोकन जनरेट होगा। अब ये डिवाइस क्या है और क्या होते हैं, तो ये डिवाइस आपके मोबाइल भी हो सकते हैं और आपके टैबलेट्स भी हो सकते हैं। तो पहले जो टोकनाइजेशन थी आरबीआई ने सिर्फ इन दो डिवाइसेस तक ही लिमिट कर रखी थी, तो अभी जो ये नया सर्कुलर इशू हुआ है इसमें नए रूल्स के साथ साथ आरबीआई ने ये जो डिवाइसेस हैं इनमें लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, वेरेबल्स यानी आपकी स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होते हैं उन सबको भी ऐड कर दिया है कि इन सब से भी अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और उससे टोकनाइजेशन की जा सकती है।
तो इससे अब बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपकी कार्ड की कोई भी डिटेल इन्वॉल्व नहीं हुई है, ना ही आपका सीवीवी नंबर इन्वॉल्व हुआ है, ना आपकी अदर कार्ड डिटेल्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो आपकी जो पेमेंट है वो काफ़ी सिक्योर हो जाती है, कॉन्टैक्टलेस हो जाती है। तो इससे जो आपके फ्रॉड्स हो रहे हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के, या गलत जो है आप कह लीजिए कि ट्रांजैक्शन हो रही है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और उसके जो चांसेस होंगे फ्रॉड्स के वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, बिकॉज एवरी टोकन विल बी यूनिक टू एवरी ट्रांजैक्शन। तो पूरे जो स्टेप का जो है सिग्निफिकेंस यही है। पहली बात तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो माइंड में रखनी ही रखनी है, दूसरी बात जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सेफ्टी है, डाटा प्राइवेसी है, उसको माइंड में रखते हुए आरबीआई ने ये जो है नया सर्कुलर इशू किया है, और ये कुछ रहेगा इसका सिग्निफिकेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और इसमें जो दिया गया नॉलेज है वो उसको कुछ ना कुछ आपने ग्रास्प किया होगा। सो एज अगेन, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।